हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल ऑन योर साइड। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू राइट एसे। आप लोगों को पता है जो हमारी ये राइटिंग स्किल का जो है दो चार वीडियोस चल रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने लेटर राइटिंग फर्स्ट पार्ट करे थे, जहाँ पे हमने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस करे थे बिजनेस लेटर्स, कैसे होगा इसका बॉडी, कैसे होगा इसका फॉर्मेट, कैसे होगा इसका सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स, इन सारे डिटेल। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एसे। तो ये सारा जो है लेटर एंड एसे, ये हम जो क्लास कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों ने लेटर राइटिंग का वो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं बोलूँगी वीडियो एक बार देख लेना, तो ये अच्छा लगेगा, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो ही लगेगा। क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो चीज़ हम फेस करते हैं यूजुअली, इसी के ऊपर बेस करके ही वीडियो मैंने बनाई। ठीक है, तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एसे। यू नो दैट एसे इज़ अ मेजर राइटिंग स्किल, और जो एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट 15 मार्क्स कैरी करते हैं। 10 मार्क्स है लेटर और 15 मार्क्स होता है एसे राइटिंग। और एसे राइटिंग में एटलीस्ट 150 टू 200 वर्ड्स हमें लिखना होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हमें लिखना कैसे है, हमें लिखना कैसे है, हम किस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे। क्योंकि टॉपिक ओनली वन, नेशनल इंटीग्रेशन, एक डेफिनेशन दे दिया, बात खत्म, और आगे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो 200 वर्ड्स को भरने के लिए अगर मैंने सो मेनी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, सो मेनी इरेलीवेंट वर्ड्स को यूज़ करूँ, सो मेनी इरेलीवेंट सेंटेंसेस को यूज़ करूँ, तो इट विल नॉट कैरी आवर मार्क्स, राइट? तो हमें क्या लिखना होगा, हमें थोड़ा सा हमारी राइटिंग स्किल में ना एक ना बैलेंस लाना पड़ेगा, ताकि एक बैलेंस मैनर पे हम ऐसे को लिख पाए। तो आज हम वही चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कैसे हम एक ऐसे को बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और उसको लिखने के पहले, लिखने से पहले हमारी ब्रेन में क्या क्या चीज़ चलना चाहिए, राइट? तो चलो एक बार डिस्कस करें, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो देखते देखते अगर और भी कुछ चाहिए आप लोगों को, और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, या और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, या चाहते हो जो और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियो बने, तो डोंट हेजिटेट टू टेल मी, आई विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो। बिकॉज ओवरऑल मैं चाहती हूँ जो आप लोगों का एग्जाम्स में कुछ हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करें एसे राइटिंग, हाउ टू राइट गुड एसे। देखो, IBPS एग्ज़ाम्स में मेंस की ये डिस्क्रिप्टिव की पार्ट है, और इसमें टोटल 25 मार्क्स होगा, जहाँ पे 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में हमें ऐसे जो है वो लिखना होता है। और इस राइटिंग के लिए हमें 30 मिनट्स टाइम मिलेगा, चाहे हम लेटर और ऐसे ये दोनों मिलाकर हमारे पास 30 मिनट्स टाइम रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, तो मैं बोलूंगी लेटर के लिए आप लोग 10 मिनट्स रखो, और ऐसे के लिए आपको 20 मिनट्स रखना होगा। क्यों रखोगे, क्यों ऐसे के लिए थोड़ा सा 5 to 6 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे पहली बात है हाउ टू राइट एन एक्सलेंट एसे। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जो लेटर राइटिंग, मतलब राइटिंग स्किल जो है ना, इट इज एन आर्ट। वन मे हैव थॉरो नॉलेज ऑफ अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट, बट टू पुट दिस नॉलेज इन अ लॉजिकल एंड कोहरेंट वे इज अ टास्क दैट रिक्वायर स्किल, प्रैक्टिस एंड सबल टेक्निक। मान लो मुझे पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन लिखने के टाइम पे ना मेरे को वो चीज़ ऑर्गेनाइज करके लिखना नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्या होगा, वो प्रॉपरली नहीं होगा। देयरफोर हमें क्या करना होगा, हमारी पहली बात जो चाहिए ऐसे के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, स्किल, प्रैक्टिस एंड कुछ टेक्निक। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल, इसलिए इसका नाम ही दिया गया है, जो लिखने का स्किल। अच्छा, फर्स्ट हम डिस्कस करें जो वर्ड इज एसे। एसे है क्या, द वर्ड एसे मीन्स एन अटेम्प्ट। क्या चीज़ हम अटेम्प्ट करेंगे,
for attempt to be crowned with the success, certain techniques, methods and perseverance are necessary. कोई भी चीज़ों को attempt करने के लिए हमें कुछ certain techniques चाहिए, कुछ methods चाहिए, कुछ perseverance जो है वो चाहिए. Perseverance मतलब बार बार, अच्छा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग सेकेंड टाइम, आई एम ट्राइंग थर्ड टाइम. क्योंकि बार बार लिखते लिखते ही ना एक असली जो है, मतलब एक अच्छा सा जो राइटिंग है ना वो आ जाता है. एन एसे इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ आइडियाज. कुछ आइडिया मेरे मन में है, उस आइडिया को मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कलेक्ट करूंगी एंड साथ में फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट द टॉपिक. कोई भी टॉपिक का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन of idea, collection of fact and figures about the topic and nicely written and elegantly present. Do point ko students please dhyan rakhna, nicely written, achhe tarike se likhna and elegantly present. Elegance is a very important for writing skill. Acha ab hum discuss karenge jo पर्पस ऑफ द एसे क्या है. अदर वर्ड्स में देखो एसे को हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड प्रेजेंटेशन इन अ वे दैट द रीडर फाइंड्स इट्स क्लियर एंड एसे टू फॉलो. एक बेसिक पॉइंट ऑलवेज ध्यान रखो. मान लो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग कुछ लिख रहे हो. एवरीबडी नोज वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. लेकिन जब आप लिखोगे तब ध्यान के रखना जो आपकी राइटिंग पढ़ रहे हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है. कुछ भी नहीं पता तो आपकी राइटिंग को देखकर उसको आइडिया होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये होता है. जब भी मेरे मन में कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ये क्या है, तो उसी जगह पे मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. तो राइटिंग स्किल ऐसा एक होना चाहिए जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और जो पढ़ रहे उसको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, चाहिए टॉपिक ऐसा है, ठीक है. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एसे. एन एसे कैन हैव मेनी पर्पस बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट और द टॉपिक इज. वी मे बी राइटिंग एन एसे टू आर्ग्यू फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लेन द स्टेप्स नेसेसरी टू कंप्लीट अ टास्क. ईदर वे आवर एसे हैव द सेम बेसिक फॉर्मेट. If we follow simple few steps, we will find the essay is almost written itself and we are to supply ideas, fact and figures. Tino point ko hamesha dhyan rakho, my dear students. First is idea, the second one is fact, third one is figure. Ye jo tino cheez hai na, ye tino cheez hamari essay mein always hona chahiye. Idea, fact एंड फिगर, ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एसे एनी वे, ठीक है. फर्स्ट आइडिया, सोचोगे कैसे, आइडिया एक आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आइडिया. अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या फैक्ट मैं दे सकती हूँ, आ गया. जैसे तुमने फैक्ट सोचोगे ना, क्योंकि फैक्ट हमारी नजरों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे मैंने फैक्ट सोचना शुरू करूंगी ऑटोमेटिकली बाकी जो फिगर्स है ना वो भी धीरे 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 मेरे मन में आना शुरू होगा. जैसे ही आएगा वो ड्राफ्ट करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे सोच लिया बाद में याद आ जाएगा. नो, जैसे जो जो पॉइंट आ रहा है उसी टाइम वो नोट करते रहो, ठीक है. अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एसे, स्टेप्स पढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. एक एसे जो हमारे पास होगा, दिस इज कॉल्ड नैरेटिव एसे. व्हाट डू यू मीन बाई नैरेटिव एसे? नैरेटिव एसे कंसिस्ट ऑफ द नरेशन ऑफ सम इवेंट्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट और एमिनेंट पर्सनैलिटीज. क्या क्या? हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, इमेजिनरी स्टोरीज हो सकता है, बायोग्राफिकल स्केचेस हो सकते हैं, जहाँ पे हम अपना इमोशन डाल के डिस्क्रिप्शन देंगे. दिस इज कॉल्ड नैरेटिव एसे. सेकेंड जो है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव एसे. डिस्क्रिप्टिव एसे कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्लेस और थिंग. और इसमें क्या होना चाहिए, कोई कंट्री या आइलैंड या माउंटेन या सी रिवर्स के बारे में कुछ बात हो रहा है, एस्पेक्ट ऑफ फिनोमेना ऑफ नेचर या कोई टाउन्स एंड बिल्डिंग्स इसके बारे में बात हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. Reflective essays. Reflective essays consist of reflection upon some topic which are generally of an abstract nature.
जैसे कि कोई हैबिट्स एंड क्वालिटीज, इसके ऊपर हमें बहुत ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। कोई हैबिट्स या क्वालिटीज़ के बारे में मैं कुछ बात कर रही हूँ, या कोई सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल या डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसमें मुझे क्या देना होगा, दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नेचर, तो इसके अंदर डेफिनेटली मेरा कुछ ओपिनियन होगा। दिस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एसेस। नेक्स्ट है देखो एक्सपोजिटरी, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंटिव एसे, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द एक्सपोजिशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेइंग और द थीसिस। ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प, आई एम द मेकर ऑफ माई डेस्टिनी, गेट स्टार्टेड। अब इसको लेकर हम लिखना शुरू करें। दिस टाइप ऑफ एसे इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटिव एसेस। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ एसे। नाउ हमें क्या देखना है, कुछ सिंपल स्टेप्स है जो हमें ना गाइड कर देगा जो ऐसे राइटिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। फर्स्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टॉपिक, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर आइडियाज। मैंने क्या बोला था, आइडिया फैक्ट फिगर। तो मैंने पहले मेरे पास टॉपिक आया, इसके बाद आइडिया आ गया, आइडिया के बाद राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तुमने दिया, राइट द बॉडी, राइट द मेन पॉइंट्स, राइट द सब पॉइंट, इलाबोरेट ऑन द सब पॉइंट्स एंड राइट द कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि ऐसे ना एक पिरामिड बन जाता है, अगर तुमने ठीक से देखोगे एक ना पिरामिड बनती है। जैसे कि पहले हो गया टॉपिक, टॉपिक के बाद आ गया क्या, आइडिया, आइडिया के बाद हमारे पास आ गया क्या, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएगा क्या, बॉडी, मतलब कंटिन्यूअसली ना बढ़ता रहेगा ऐसे, दिस विल बी द बॉडी। बॉडी के बाद आ जाएगा क्या, मेन पॉइंट्स, दिस विल बी द मेन पॉइंट्स। ज्यादा लिखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, मेन पॉइंट्स के अंडर में आ जाएगा क्या, सब पॉइंट। इसके बाद आएगा क्या, कंक्लूजन, दिस विल बी द कंक्लूजन। मतलब जितने जितने हम आगे बढ़ते रहेंगे उतनी उतनी ये पिरामिड जो है वो ज्यादा होना शुरू होगा। इसलिए इसको बोलता है कि एक्सपेंशन ऑफ राइटिंग। टॉपिक एक पॉइंट पे आएगा, उनमें से आइडिया ले रही हूँ, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, देखो ये बढ़ता रहेगा ऐसे ना, एक पिरामिड शेप। मतलब ये पिरामिड करके नहीं लिखना, बट ये पिरामिड शेप का एक वो होता है, राइटिंग स्किल जो है वो होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर योर एसे। द फर्स्ट पॉइंट, टॉपिक सिलेक्शन अ टॉपिक, जो हमें हमारे पास जो ऑप्शंस रहेगा उनमें से मैंने एक टॉपिक चूज करूंगी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चूज करने के लिए जो ऑप्शन तुम्हारे पास होगा उसको ना इवेल्युएट करना। मान लो तीन ऑप्शन है, तीन में से इवेल्युएट करके देखो जो किसमें तुम लिख पाओगे। वी मस्ट सिंपली कंसिडर ईच वन इंडिविजुअली, सिलेक्ट द टॉपिक अबाउट द डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर। जिस टॉपिक के बारे में मेरे पास फैक्ट है, फिगर्स है, आइडिया भी है, मैंने वही टॉपिक को चूज करूंगी। अच्छा, उसके बाद इट इज सब्जेक्ट अबाउट विच वी आर पार्टिकुलरली वेल इन्फॉर्म्ड। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन। सॉरी। नेक्स्ट, वी मस्ट बी श्योर इट इज अ सब्जेक्ट अबाउट विच वी आर लिस्ट moderately passionate of. Of course, the most important factor in the choosing a topic is the number of ideas we have about the topic. This is the most important, jo number of ideas hamare paas hai ya nahi. Even if none of the topic we find particularly appealing, main agar dekh lu jo ek bhi topic ke bare mein mujhe nahi pata, tab main kya karungi? In that case, select a topic which may not be selected by other candidates, or select a topic which is selected by only few candidates. ऐसे किसी टॉपिक हमें ढूंढना है, and that will minimize the chances of immediate comparison of the essay written by you with others. I hope समझ में आ गया। जो किसी ने जो चूज नहीं करेंगे उसको मैं चूज कर लूँ तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन जो है, कंपेरिजन जो है वो कम होगा। Before we are ready to move on the essay writing process, look one more time at the topic and we have selected. Once you have determined that our topic will be suitable, you can move on. So that's mean topic choose karna ek bahut hi important cheez hai essay ke liye.
इसके बाद अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करो. कैसे? द पर्पस ऑफ आउटलाइन. क्यों आउटलाइन हम करेंगे? क्योंकि आउटलाइन और डायग्राम इज टू द पुट योर आइडियाज अबाउट द टॉपिक. बिगिन योर आउटलाइन बाय राइटिंग योर टॉपिक. पहले तो मैं टॉपिक नोट कर लिया एट द टॉप ऑफ द पेज. नेक्स्ट राइट द रोमन न्यूमेरल्स 1, 2, 3 स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम टॉपिक के बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके लिखो. नेक्स्ट टू ईच रोमन न्यूमेरल राइट द मेन आइडिया दैट यू हैव अबाउट योर टॉपिक. अब एक हर एक न्यूमेरल नंबर के लिए ना एक एक पॉइंट जो है वो लिखते रहो. इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस यू राइट द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड. क्योंकि नंबर जब मैं लिख लेती हूँ ना 1, 2, 3, 4 ऐसे करके तो मेरा मन ना करेगा ही जो इसको मैं भरूं. तो भरने के लिए आई विल थिंक टॉपिक. हो गया. इफ यू आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू राइट द मेजर कैटेगरीज इन टू विच योर इंफॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड. तो कैटेगरीज मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन डिवाइड होगा. अंडर ईच रोमन न्यूमरल राइट ए बी सी डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. कैसे? टॉपिक हो गया. अब टॉपिक के लिए मैंने पहले 1, 2 और यहीं पर मैंने 3 लिख लिया. दैट्स व्हाट ये मेरी मेन आइडिया होगा. अब मेन आइडिया के लिए ए बी सी, सेकेंड के लिए ए बी सी, थर्ड के लिए ए बी सी. तो दैट्स व्हाट मेन आइडिया के अंडर में क्या आएगा? सब आइडिया जो है वो आ जाएगा. नेक्स्ट टू ईच लेटर राइट द फैक्ट और इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट द मेन आइडिया. Now you have finished, you have the basic structure of your essay and are ready to continue. Next, conclusion, introduction. What will be our introduction? The introduction should be designed to attract the reader's attention. Introduction aisa do jahan pe reader ki attention ho jaye. Peace talk fails. If I write, तो कौन सी पीस टॉक क्यों फेल हुआ, थोड़ा बहुत रीडर को पढ़ने का मन करेगा. राइट. बिगिन विथ एन अटेंशन ग्रैबर. अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा. विच अटेंशन ग्रैबर यू यूज इज अप टू यू एंड बट हियर सम आइडिया मैं दे रही हूं. स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन दो. दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू एंड अ वेरीफिएबल. इट कुड सिंपली be a pertinent fact and the explicit illustrate. मतलब ऐसा कुछ टॉपिक जिसको लेकर ना हम सारे लोग जो है बड़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं जो पढ़ रहे हैं. सेकेंड क्या है? एनेक्डॉट. कोई ह्यूमरस स्टोरी से शुरू करो, मजेदार कोई स्टोरी. एनेक्डॉट अ स्टोरी दैट इलस्ट्रेट द पॉइंट. बी श्योर योर एनेक्डॉट इज शॉर्ट. शॉर्ट एनेक्डॉट से शुरू करो ताकि मुझे पढ़ने का मजा आए. जो हाँ अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका तो बड़ी बढ़िया हुआ, आगे एक बारी चेक करते हैं. इसके बाद हम शुरू कर सकते हैं डायलॉग्स या कोटेशन के साथ. दैट्स मीन तीन पॉइंट को ध्यान रखना इंट्रोडक्शन पे. एक तो हमें क्या देना है, एक तो हमें अटेंशन ग्रैबर देना है, उसके बाद हम एनेक्डॉट ऐसे देना ऐसे देते हैं. एज अ थर्ड में दोगे क्या, कोई कोटेशन या कोई डायलॉग्स. नेक्स्ट आ रहा है क्या, बॉडी ऑफ पैराग्राफ. कैसे पैराग्राफ बनेगा? द बॉडी ऑफ एसे ऑल द प्रिपरेशन अप टू दिस पॉइंट कम्स टू fruit and the topic you have chosen must now be explained, described or argued. Kya kya? Explain, describe or argue. ऐसे सोच कर देखना अपने आप आइडिया आना शुरू हो जाएगा. अपने आप ही आइडिया आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ यू हैव 3 or 4 मेन आइडिया यू विल हैव 3 or 4 बॉडी पैराग्राफ ऑल्सो. नेक्स्ट ईच बॉडी पैराग्राफ विल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. स्टार्ट बाई राइटिंग डाउन वन ऑफ योर मेन आइडिया. नेक्स्ट राइट डाउन ईच ऑफ योर सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड इन द स्पेस अंडर ईच पॉइंट राइट डाउन द सम इलेबोरेशन. इलेबोरेशन विल बी इन द एंड पॉइंट. अब हम आ रहे हैं कंक्लूशन. हम कैसे लिखेंगे, एंड हम कैसे करेंगे. नाउ यू नीड अ टाइट पावरफुल कंक्लूशन. पावरफुल कंक्लूशन होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, विच इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गॉन बिफोर. एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है वो होना चाहिए. लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब जो कंप्लीट जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं.
The conclusion brings closure, the essay of the reader, summing up your points of the providing the final perspective of your topic. All that conclusion needs is three or four strong sentences which do not need to follow any set formula. Simply review. Main point ko pehle review karo. Being careful not restate them or briefly describe your feelings about the topic. And even an anecdote can end your essay. Anecdotes ke saath hum end bhi kar sakte hain. The conclusion completes the paragraphs of your essay. And one thing, just you have to remember, if your essay is badly written, you will be losing marks, and in the outside world, you would be a failure. It is a very important to write crisp, clear style with good sentence construction. Means spelling mistake nahi hona chahiye. करेक्टली पंक्चुएशन जो है वो यूज़ होना चाहिए. ग्रामेटिकल एरर्स तो तुमने बिल्कुल ही नहीं करोगे. सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से करोगे. फ्लोइंग सेंटेंस ज़्यादा यूज़ करोगे. लोगों को बोर नहीं करोगे. ठीक है, वन पॉइंट बार 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 रिपीट भी नहीं करोगे. तो दीज आर मोर और लेस ऐसे लिखने का एक बेसिक तरीका. बट हाँ, अगर इन वीडियो को आप लोग थोड़ा सा पॉज करके जो जो इसमें लिखा हुआ है उसको फॉलो करोगे तो इट इज़ माई गारंटी डेफिनेटली यू कैन राइट. कुछ ना कुछ तो आप लिख कर आओगे ही आओगे. बिकॉज थिंकिंग एबिलिटी हमारे पास कम होने की वजह से हम लिख नहीं पाते. क्या सोचते हैं और किसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो मैंने इसी वीडियो में यही डिस्कस करने की कोशिश किया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और एक चीज़, सम टिप्स ऑफ राइटिंग एन एक्सेलेंट एसे, use simple words rather complex word. simple words ko use karo, complex word bilkul bhi nahi. When something can be read without effort, great effort has gone into its writing. Samajh mein aaya? Jab humne can be read without effort, jab main bina effort mein main padhu to automatically main likh paungi. Agar mujhe padhne ke liye mushkil lag raha hai to main likhu kya? So that's why simple words use karo rather than complex words. और एक बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर योर एसे टू हेल्प योर रीडर. रीडर को तुमने बोर नहीं करोगे. रीडर के पास ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करो ताकि उसको एलिगेंसी के साथ प्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए. लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. एंड राइटिंग इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इंट्रोडक्शन हमें देना है, उसके बाद हम बॉडी देंगे, उसके बाद हमारी कंक्लूशन जो है वो आ जाएगा. और एक चीज देखो, नीडलेसली मैंने जो अभी बोल रही थी, रिपीट इंफॉर्मेशन एंड टर्न ऑफ द रीडर विथ टू मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. ज्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मत दो, बार बार रिपीट ना करो इंफॉर्मेशन को. इफ यू वॉन्ट टू गेन द टॉप ग्रेड ऑफ योर एसे, यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रांगली एंड गेन योर रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली. तभी राइटिंग स्किल प्रॉपरली होती है. बॉडी ऑफ एसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जो 80 to 90% जो है ये बॉडी के ऊपर मार्क्स हमारे पास आएगा. तो मेन आइडिया, सब आइडिया, सबोर्डिनेट आइडिया, इस सभी को लेकर टॉपिक, आइडिया, पॉइंट्स, इन सबको एक साथ लेकर लॉजिकली तुम्हें सोचना पड़ेगा. एंड कंक्लूशन, एंड में जाके कंक्लूशन, इस पॉइंट को प्लीज ध्यान रखना. डू नॉट राइट सो दैट यू कैन बी understood. Write so that we cannot be misunderstood. ठीक है, ऐसा ना हो जाए जो मैं तुम्हें कुछ गलत समझ लिया. No. तो that's why crisp, brief, precise points को logically organize करो and you can write. ठीक है, तो at last हमने थैंक यू में आ गए हैं. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया क्या लिखना होगा, किस तरीके से हमें ऐसे को प्रेजेंट करेंगे. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें लाइक्स देना, एंड प्लीज़ इंक्रीज अवर व्यूअरशिप, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट योर वेरी वैल्यूएबल कमेंट्स. कमेंट्स भी करना कौन सी चीज़ आगे चाहिए. बट हाँ, ये इंग्लिश की वीडियो अभी हमारी चलते रहेगा. तो ये तो राइटिंग स्किल हमने किया, इसके बाद हम ग्रामर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, सो मेनी थिंग्स करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद IBS. टिल देन, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.